हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल गरौंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त रुचि गुप्ता। तो आज हम बेसिकली एक नए क्रिएटिव स्टार के पास आए हैं, खुशाल जी के पास। हेलो खुशाल। हेलो। तो आप बेसिकली आर्किटेक्ट हैं। हाँ जी। तो खुशाल, सबसे पहले तो जो बेसिक क्वेश्चन आता है सबके मन में वो ये आता है कि आर्किटेक्ट करता क्या है। बेसिकली आर्किटेक्ट का काम होता है कि इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स एंड मतलब आपका पूरा प्रोजेक्ट, बेसिक से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल एवरीथिंग विल कम अंडर आर्किटेक्ट। एंड उसमें ये हो गया आपका, उसका स्केल के प्रोपोर्शनेट में डिज़ाइन करना बेसिकली बिल्डिंग को, और डिपेंड अपॉन द क्लाइंट कि हम क्लाइंट को क्या नीड है। जैसे सपोज होता है कि किसी की रिक्वायरमेंट की 2 BHK नीचे चाहिए हमें, लाइक 2 बेडरूम चाहिए विद अटैच टॉयलेट बाथरूम एंड ड्रेसिंग रूम। एंड किसी की होती है कि हमें 3 BHK चाहिए, किसी के मतलब डिफरेंट यानी कि एक तरह से आपको अपने प्लॉट का हमने एरिया बता दिया और हमने ये बता दिया कि हमें इसमें 3 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, डुप्लेक्स चाहिए और या पेंट हाउस चाहिए, वो डिपेंड अपॉन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ओके, तो वो आप डिजाइन करके देते हैं। हां जी, वो मैं। ओके, तो यदि मान लीजिए हमारा घर हमें रेनोवेट करवाना है, घर तो है बना हुआ, तो उसमें क्या यूज़ होगा आर्किटेक्ट का? लेकिन उसमें ये होगा, एक्चुअली जो पुरानी हमारी बिल्डिंग्स थी उसमें जितनी भी हमारी वॉल्स होती थी वो 20 inches या हमारी एक्स्ट्रा ही होती थी, वो ज़्यादा स्पेस लेती थी। तो बेसिकली उसको हम डिमोलिश करके एंड उसमें आई सेक्शंस प्रोवाइड करके, लाइक मैंने अपने घर में भी प्रोवाइड किए हैं, तो मैंने अपनी 20-20 inch की वॉल्स रिमूव करके तो स्पेस यूटिलाइज किया है उसका, और अपने रूम्स एक्स्ट्रा निकाल के बड़े करके, तो उसमें सारा इंटीरियर वर्क हो गया आपका पूरा अकॉर्डिंग टू द वास्तु आल्सो वी कैन डिजाइन आवर होम। ओके, तो कुशाल जी, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी हम अपने स्पेस का कितने ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं तो वो आर्किटेक्ट स्पेस को यूटिलाइज करता है। ठीक है। और अगर यदि हमारा इतना बजट नहीं है या हम अपने घर में इतना कंस्ट्रक्शन नहीं कराना चाहे कि हम अपना दीवार छिड़ा, मतलब ये होता है कि अगर हमारे 2 रूम है, मतलब हम रूम में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं, हम थोड़ा सा सिर्फ उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा? हाँ, वो पॉसिबल है, वो बेसिक लाइक उसमें चेंज थोड़ा सा, जैसे आप अपना टीवी पैनल यूनिट यूज कर रिस्टोर कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो, उसमें वीनियर पॉलिश या वो सब चेंज कर सकते हो, तो बेसिक रिक्वायरमेंट चेंज होगी उसमें। ओके, फिर भी हमें अपना घर एक न्यू लगेगा। हाँ जी, वो बिल्कुल न्यू लगेगा कि थोड़े से चेंजेस में ही। तो आपने जैसे कहा कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग भी कराते हैं, तो वास्तु के अकॉर्डिंग जो आजकल घर में जैसे कुछ यूज हो रहा है कुछ, जैसे हमारा बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट हमारा ईशान कोण माना जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में हम बेसिकली वो वाटर स्पेस हो गई, तो हमारा जितना भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स हो गए तो हमारे वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, वाटर एलिमेंट सारा वहीं पे रहता है। और साउथ हमारा होता है स्टेयरकेस का जोन होता है, तो साउथ बेसिकली क्या होता है, हम बाहरी रखते हैं अपना, और नॉर्थ होता है एयरी थोड़ा सा, तो उस वजह से तो पॉजिटिव रहती है। ओके, एक कुशाल जी, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप जो ओल्ड हाउसेज होते हैं उनको बिल्कुल रीन्यू करके दे देते हैं, ऐसा लगता है कि हम नए घर में रह रहे हैं। बेसिकली जो इनका घर है फ्रेंड, जिसमें हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये 60 साल पुराना है। हमने एक बार सारिका जी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने घर में बताया था कि ये 60 साल पुराना है और ये ऐसा लगता है कि जैसे आज ही बना हो, तो इसका मतलब ये सब चेंजेस उसमें होते हैं। जैसे आजकल काफी नए नए मटेरियल्स आ चुके हैं, लाइक HPL आपका LX हो गई और टाइलिंग होगी, पहले स्टोन होता था जो हमारा वो चिप स्टोन चलता था बेसिकली, तो वो चीज़ चेंज करके हमने मॉडर्न लुक दिया अपने घर को। तो उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 20-20 inch की वॉल्स हमने रिमूव करके आई सेक्शंस पे पूरा ऊपर का लोड हमने डिवाइड कर दिया है साइड की वॉल्स पे, तो पहले हमने जैक पे अपना घर टिकाया, उसके बाद हमने क्या कहते हैं वो वॉल रिमूव करी है एंड मतलब गार्टर पे वो जैक लगाया और फिर वॉल रिमूव करके फिर हमने उसमें फॉल सीलिंग लगाई है। उसके बाद फॉल सीलिंग के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हमारी पहले वॉल थी और कहाँ पे अब नहीं हुआ। ओके, तो वो बिल्कुल ही घर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो चुका है, तो कोई मतलब पुराना मेहमान आए तो पहचान नहीं पाएगा कि मैं किस घर में हूं। जैसे हमारे पहले पहले लोग रहते भी थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी बोला है कि एकदम ये ड्रास्टिक चेंज हो गया है, तो ये एकदम से कैसे हो गया है वो चीज, तो उन्होंने भी पूछा था ये चीज। ठीक है, तो ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि नए घर में तो हर कोई वर्क कर लेता है, नए घर में क्या होता है कि आपके पास सभी ऑप्शंस होते हैं, पुराने घर को रिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है, लोड ऑलरेडी, क्योंकि आजकल जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो लोड बेयरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर बनते हैं बेसिकली बीम्स एंड कॉलम्स के साथ, जो प्रॉपर फाउंडेशन से उठ के हमारा पूरा घर चलता है। पहले होता था लोड बेयरिंग वॉल्स, तो हमारी वॉल्स इसलिए बड़ी होती थी क्योंकि ऊपर अगर हमें फ्लोर ज़्यादा जाना है
तो इस वजह से हमारा लोड उस पर पड़ेगा तो स्ट्रक्चर डिमोलिश ना है या फिर वो कोलैप्स ना है। तो क्योंकि आप नई टेक्निक से घर बनने लग गए हैं और सबसे बड़ी बात सबके पास जगह की कमी हो गई है तो इस वजह से तो हमारा वार्डरोब्स है, वार्डरोब्स भी पूरा इजीली मतलब आपका अकॉर्डिंग टू द स्पेस और रिक्वायरमेंट अपॉन द क्लाइंट हमारा डिज़ाइन होता है। लाइक किसी को ड्रेसेस होती है किसी की टंगाने के लिए और किसी का रखने के लिए होता है, जैसे बॉयज का अगर हम डिज़ाइन करें तो उसमें हम शेल्फ ज़्यादा देते हैं बिकॉज टी शर्ट्स एंड जीन्स हम जैसे एज अ शोरूम में हम जाते हैं तो शोरूम से भी वो एज अ डिस्प्ले लगाते हैं तो शेल्फ्स में ही लगाते हैं बेसिकली, हैंगिंग्स कम होते हैं। ओके, तो ये आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं कि आपके कितने मेंबर हैं और सब मेंबर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा घर डिज़ाइन के लिए आ जाए। यदि हम अपना घर रेनोवेट करा रहे हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर बजट है कि हमें इसी बजट में काम करना है, तो वो हम आपको बताएं तो आप उसमें चेंज कर देंगे? तो उसमें बेसिकली मैं आपको बिल ऑफ क्वांटिटीज देता हूँ तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका कितना पैसा कहाँ लग रहा है, कितना पैसा कहाँ बायफर्केट हो रहा है, तो उसमें आपको सारा डिटेल पता चल जाती है। ठीक है, तो फिर हम उसमें से अगर कुछ हमें अप डाउन करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग आपसे कंसल्ट करके कर देते हैं। तो इसके बाद जैसे ही होता है कि आप उस बजट में जब हमारा घर नया बनाते हैं, आप उसमें हमें समझाएंगे कैसे कि जैसे बेसिकली हम आजकल सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं तो हम आपको आपका प्रॉपर विजुअलाइज देंगे, लाइक 3D वगैरह बना देंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपका फ्यूचर में घर कैसा लगेगा और बनके कैसा डिजाइन आएगा। तो विजुअल देख के हमें ठेकेदार और आर्किटेक्ट में अंतर पता चल जाएगा कि बेसिकली क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आर्किटेक्ट हमारे घर के लिए कितना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम नया घर बना रहे हैं तो ही हमें आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है, पर बेसिकली क्या होता है, आर्किटेक्ट हमारे कई चीज़ें, एक तो हमारे स्पेस का पूरे स्पेस का यूटिलाइजेशन करता है, दूसरी बात हमारे बजट को भी मेंटेन करता है, हमें पहले से ही पता चल जाता है कि हमारा बजट कहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे घर में आर्किटेक्ट की बहुत यूज़ है। और दूसरी बात, अगर आप रेनोवेट करवा रहे हैं तो हम में से कोई पूछेंगे अरे रेनोवेट में आर्किटेक्ट का क्या काम है, ये तो हम खुद ही करा लेंगे कि यहाँ से इस तरह से करना है, लेकिन जो हमने इंटरव्यू लिया है या कुशार की बात सुनी है उससे पता चलता है कि रेनोवेशन में तो शायद नए घर से भी ज़्यादा आर्किटेक्ट का यूज़ है। हाँ जी, तो थैंक यू कुशार, आपके इतने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुशार का फ़ोन नंबर और एड्रेस सेंड कर दूँगी, तो आपको जब भी इनकी सेवाएँ लेनी हो या अपने घर रेनोवेट कर रहे हैं या नया बना रहे हैं तो एक बार जरूर आर्किटेक्ट से मतलब आप जरूर पूछिए और अपना घर डिज़ाइन करवाइए, वो आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी जगह के अकॉर्डिंग, ये सबका आपके घर का सबसे बड़ी बात हर विजुअलाइजेशन दिखाएंगे और हर स्पेस का और आपके एक एक पैसे का यूटिलाइजेशन होगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट जरूर करें, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।